अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शिरीन काजी। आज मैं बना रही हूँ शाही जाली कबाब। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। देखिए, मैंने अभी इधर मटन का कीमा ले लिया है। कीमे में अभी हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 बारीक कटी हुई प्याज और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अभी हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अभी हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटे धनिया और पुदीना के पत्ते। अभी हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी ब्रेड क्रम्स। अभी हम खीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने खीमे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। देखिए, आधे घंटे के बाद खीमा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अभी हम हाथ पे ऑयल लगा के थोड़ा सा खीमा लेके इसके अच्छे से कबाब बना लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए, मैंने कबाब को बना लिया है। अभी हम इसी तरह सारे कबाब को भी बना लेंगे। देखिए, मैंने इधर सारे कबाब को बना लिया है। देखिए, मैंने अभी इधर एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लिया है। अभी हम कबाब को ब्रेड क्रम्स पे रख के अच्छे से लगा देंगे। देखिए, मैंने कबाब पे ब्रेड क्रम अच्छे से लगा दिया है। अभी हम इसी तरह सारे कबाब पे भी अच्छे से लगा देंगे। देखिए, मैंने इधर सारे कबाब पे ब्रेड क्रम्स को लगा दिया है। अभी हम एक बाउल में 2 अंडे लेंगे। अभी हम अंडे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने अंडे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम कबाब को अंडे में डाल के अंडा अच्छे से लगा के इसको तेल में डाल देंगे। देखिए इस तरह से। अभी हम इसी तरह सारे कबाब पे भी अंडा लगा के पैन में डाल देंगे। देखिए, मैंने इधर 3 कबाब को पैन में डाल दिया है। अभी हम ऊपर से अंडे को डाल देंगे। देखिए इस तरह से। ऐसा करने से ही कबाब पे जाली बनेगी। देखिए, मैंने कबाब पे अंडे को डाल दिया है। अभी हम इसको पलट कर दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लेंगे। देखिए, माशाल्लाह जाली वाले कबाब अच्छे से बन चुके हैं। चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह दूसरे कबाब को भी बना लेंगे। देखिए, मैंने इधर दूसरे कबाब को भी अच्छे से पका लिया। चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। देखिए, मैंने इधर सर्व कर लिया शाही जाली कबाब को। आप इसको अपने घर पे जरूर ट्राई करें। बहुत इजी एंड सिंपल सी रेसिपी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।